भाई थोड़ा नीचे करिए, नीचे करो नीचे। ये जो जीत है ये गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की जीत है। ये जो इतिहास रचा है गन्नौर का, सबसे बड़ी जीत का ये गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने रचा है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवादी हूँ मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, जितेंद्र मलिक जी, हमेशा कंधे पे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी मदद की है। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात सोए नहीं हैं मेरे साथी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने 12 तारीख को कहा था, चुनाव तो हरियाणा में 90 सीटों में हो रहा है, लेकिन गन्नौर में चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गन्नौर के साथ लंबे टाइम तक अन्याय किया था, वो न्याय करने का गन्नौर की जनता ने काम किया है। शुरुआत कहाँ से कहाँ जी? अब केवल शुरुआत, अब मेरा अपना जो गांव मंदिर है वहां जाएंगे, मोहनदास जी के मंदिर में जाएंगे, गन्नौर में जो हमारे और मंदिर है वहां जाएंगे, और उसके बाद शुरुआत होगी उसी जगह से जहां पर वो महापंचायत जनसभा अनाज मंडी में हुई थी। अगला जो रास्ता तय करेगा वो गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी तय करेगी। काजान जी आपको टिकट नहीं मिल पाई थी बीजेपी से, काफी बड़े आरोप लगे थे गन्नौर में, देखिए मेरा किसी भी पार्टी सरकार के साथ जाना मेरा फैसला नहीं है, सिर्फ गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी तय करेगी। और वो 36 बिरादरी बताएगी कि गन्नौर का बेटा किस दिशा में जाएगा, किसके साथ जाएगा। पहली कलम से क्या काम करने की सोची आपने कि पहली कलम से काम करना गन्नौर? पहली कलम से हम कल ही अनाउंस करेंगे, कल सवेरे आप सबको न्योता है, 9 बजे हम गन्नौर में जो हमारा देवा का कार्यालय है, देवा संस्था के द्वारा एक बड़ा कार्य करेंगे, और गन्नौर को उस कार्य की बहुत बड़ी जरूरत है, राज कल ही खोलेंगे उसका। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? जीत का श्रेय, जीत का श्रेय केवल और केवल गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी को। गन्नौर में जो है मूलभूत सुविधा को लेकर लोग जो है काफी परेशान है, पिछले लंबे समय से सड़कें बदहाल हैं, रास्ते बदहाल हैं, लोग जो है लंबे समय से गुहार करते रहे, क्या कहेंगे? देखिए कल 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर से शुरुआत हो गई है, गन्नौर जिस चीज के लिए तरस रहा था वो 9 अक्टूबर आ गया है। और 5 साल में आप लोग गन्नौर की फिलहाल की वीडियो बना लीजिए, और उसके बाद 5 साल की जब वीडियो देखेंगे आपको आफ्टर और बिफोर करोगे तो आपको नया गन्नौर मिलेगा। चुनाव के दौरान आरोप भी लगे थे, उन आरोपों पर क्या? देखिए अब उन चीजों से बाहर आ गए हैं, और आरोप लगाने वालों का बहुत अच्छे से इलाज गन्नौर की जनता ने कर दिया है, और हमारे साथ परमात्मा था, हमारे साथ गन्नौर की जनता थी, उस बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। अब मुझे केवल काम करना है, मैं काम की बात करूंगा। लोग जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस को लोगों ने नकारा और एक आजाद उम्मीदवार को आशीर्वाद दिया, क्या मानते हैं कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया? देखिए बड़े मुद्दे जब जनता की जब भावनाएं आहत होती है, जब कोई नौजवान किसी पार्टी में इतने मन से काम करता है और जनता के सामने करता है, तो वो जो उनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, ये आक्रोश का उन्होंने बदला लिया है और दिखाया है कि केवल एक महज कागज का टुकड़ा जिसको आप टिकट कहते हैं वो काफी नहीं है, असली टिकट जनता होती है। देवेंद्र कादान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये वोट काटू है, ध्यान न देना, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो है आपने आज यहाँ पर जीत दर्ज किया। देखिए वो बहुत सीनियर नेता है और मेरा एक स्वभाव रहा है मैं किसी सीनियर लोगों का सम्मान करता हूं। चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं और मैंने उनको कहा था कि मैं वोट काटू नहीं, रो काटू हूं, और ये आज ये गन्नौर हल्के की दो जो महामारी थी, महाबीमारी थी, उनको काट दिया है और गन्नौर हल्के की जनता उनसे निजात पा गई है, और मैं समझता हूँ कल से गन्नौर की नई शुरुआत हो रही है। एक युवा है और युवा के तौर पर सबसे बड़ी प्राथमिकता, जैसे महिलाओं की बात करें या फिर युवाओं के रोजगार की बात करें, उसको लेकर सबसे बड़ा कदम क्या रहेगा? सबसे बड़ा कदम युवाओं के लिए ही रहेगा, युवाओं को सही रास्ते पर लगाना है, बहुत पढ़े लिखे नौजवानों को हमें रोजगार की तरफ उनको और सही रास्ते पर लगाना है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कारखाने, ऐसे निवेश आए हैं, और उनको हमने एक समन्वय बनवाएंगे
और रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, एक बड़ा सिस्टम बनेगा, आपको एक नए तरीके से गन्नौर चलता हुआ नजर आएगा। हर कार्यालय का एक नया हमारा एक छोटा हम कार्यालय बनाएंगे, नए नए हमारे जो हमारा स्टाफ बैठेगा, बिजली के लिए कोई सुनवाई अलग से करेगा, पानी की सुनवाई और करेगा, हम निजी लोगों को रखेंगे, निजी एक कार्यालय हमारा बनेगा ताकि जनता को भटकना पड़े, एक नए तरीके से गन्नौर की शुरुआत करेंगे, लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे कि गन्नौर में किस तरीके के कार्य हो रहे हैं।